नमस्कार, अर्थ प्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्राइस सिटी का खबरनामा, जिसमें हम आपसे चंडीगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, चंडीगढ़ के आसपास पंचकुला मोहाली की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण होता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। और आज राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से जो एजिटेशन चल रही थी, जिसकी वजह से पूरे देश में हालात बड़े ही तनावपूर्ण से बने हुए थे, सरकार और किसानों के बीच में जो टकराव निरंतर चल रहा था, वो आज आखिरकार समाप्त हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज अपने आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। पिछले कई दिनों से इसकी कवायद चल रही थी, लग रहा था कि ये जो एजिटेशन है, ये जो आंदोलन है, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कोई बीच में अड़चन रहती थी, जिसकी वजह से ये कई दिन लटक गया। लेकिन आज जब औपचारिक तौर पर सरकार ने पत्र भेज दिया, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अशोक धाबले को ये पत्र मिला, और इसमें सरकार ने जो भी वादे किसानों के साथ किए थे वो लिखित रूप से मान लिए हैं, खासतौर पर मुकदमे वापस लेने का फैसला और MSP को लेकर जो वादा सरकार ने किया था, ये सब वादे जो हैं वो सरकार ने मान लिए हैं। जिसके बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमें ये स्ट्राइक, ये आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। 11 तारीख से किसान जो विभिन्न बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने घरों के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे। बॉर्डर्स के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से इन किसानों ने खड़ा कर दिया है वो सारा का सारा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा, और इसी दिन विजय दिवस मनाने की घोषणा भी संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। हालांकि वो चाहते थे कि ये विजय दिवस 10 तारीख को ही मना लिया जाए, लेकिन चूंकि अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी भारत के साथ हुई है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनके साथ 11 और 12 और व्यक्तियों की मृत्यु हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो जिसकी वजह से इन सेलिब्रेशंस को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब 11 तारीख को ये जो है सेलिब्रेशंस विजय दिवस की जाएंगी। ये न सिर्फ उन बॉर्डर्स पे की जाएंगी जहां पर किसान बैठे हुए थे, बल्कि जहां जहां भी किसान बैठे हुए थे, जहां जहां वो धरना दे रहे थे, उन सभी धरना स्थलों पर ये सेलिब्रेशंस की जाएंगी। काफी लंबा आंदोलन चला और काफी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिले। सरकार के साथ पहले काफी देर तक बातचीत भी चलती रही, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई, और उसके बाद एक बार ऐसे लगा कि हालात काफी खराब हो जाएंगे। चाहे वो पिछले साल का लाल किले का लेकर का एपिसोड रहा हो या लखीमपुर खीरी का एपिसोड रहा हो, तो उसमें कई बार स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आई। लेकिन बहरहाल अब सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है, और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। खासतौर पर जो लोग पंजाब से दिल्ली जाना चाहते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए सफर भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जब उनको दिल्ली जाना होता है तो काफी लंबा सफर करके जाना होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि शायद बीच में कहीं रुकावट भी ना हो जाए, एजिटेशन एक बार फिर से ना भड़क जाए। लेकिन अब हालात उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम जो कल हादसा हुआ, आज इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बाकायदा बयान दिया, और उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए ट्राई सर्विस इंक्वायरी बनाई गई है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया है, और ये जांच दल जो है वो कल ही वेलिंगटन, जहां पर यह हादसा हुआ है तमिलनाडु में, वहां पहुंच गया था, और उसने अपनी जो इंक्वायरी है वहां से स्टार्ट कर दी है। और एक और बात है कि ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है, वो भी मिल गया है, तो काफी जो है जानकारियां उसे धीरे धीरे सामने आएंगी, और तब पता चल सकेगा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ। इसके साथ साथ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो कि एकमात्र सर्वाइवर हैं इस हादसे के, उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, क्रिटिकल हैं वो, और उनको वेलिंगटन के कमांड हॉस्पिटल से बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वो बच जाएंगे, और इस पूरे मामले में क्या हुआ उसके ऊपर वो ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। इस बीच जनरल रावत और बाकी सभी
जो व्यक्ति जो जवान जो ऑफिसर्स इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके पार्थिव शव जो है वो आज शाम तक राजधानी पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद इनकी क्रिमेशन के लिए काम होगा। तो ये कुछ दो बड़ी खबरें थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में निगम के चुनावों को लेकर अब गहमा गहमी बढ़ने लगी है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हालांकि आज प्रचार बंद रहा। जनरल रावत की असामयिक मौत के बाद, उनके असामयिक निधन के बाद आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने शोक मनाया और सभी जो दिवंगत आत्माएं थी उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी और आज सभी जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने प्रचार नहीं किया। यह प्रचार कल से शुरू होगा लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा जो कि उनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो आई और कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट जारी की और इस चार्जशीट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिन जिन कामों में नाकाम रही है पिछले 5 सालों के दौरान निगम में उन सबका खुलासा किया है, जिसमें सबसे बड़ी जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर यह लगता है कि जो स्वच्छता की स्थिति थी शहर में उसकी दुर्गत हो गई है। पहले स्थान से चंडीगढ़ स्वच्छता के मामले में 66वें स्थान पर आ गया है। इसी तरह से बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी अलका लांबा ने आरोप लगाया और उसके बाद जो पार्कों की लगातार जो रख रखाव की स्थिति जो शोचनीय होती जा रही है वो मसला भी रखा। काफी बड़ी चार्जशीट है जिसमें कई आरोप जो है पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरुण सूद जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 5 साल की अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। इस वार्ता में सत्यपाल जैन भी मौजूद थे, मेयर रविकांत शर्मा भी मौजूद थे और केंद्र के कुछ नेता भी मौजूद थे और उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वायदे चंडीगढ़ के वासियों के साथ किए थे वो पूरे किए हैं, चंडीगढ़ को एक बेहतरीन शहर बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये थी कुछ आज की खबरें। इसी तरह के कुछ और खबरों के साथ हम रोजाना आपसे मिलते हैं, कल एक बार फिर से मिलेंगे ट्राई सिटी का खबरनामा लेकर और आप देखते रहिए हमारे चैनल अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।